ओके सो हमने वेक्टर्स कल पढ़े ओके उनका एडिशन कैसे करते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उनको डिनोट कैसे करते हैं, वो सब हमने देखा। उसी के बेस पे ये न्यूमेरिकल है। चलो देखते हैं, इजी है बट ऐसा ही न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है बार बार। ओके चलो क्या बोल रहे हैं, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो भाई बारिश गिर रही है ऐसे ऑब्वियसली ओके, कितना स्पीड है उसका 35 मीटर पर सेकेंड। ओके देन विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद विंड आने लग रही है विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। सो दिस इज अवर ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, ऑपोजिट साउथ एंड हियर ऑपोजिट वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन मतलब ऐसे दिस, ये डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है, डन थोड़े टाइम के बाद। तो बारिश ऐसे गिर रहा है, अगर ऐसे ही गिर रहा होता और तुम जाते बाहर चलने के लिए, हम जाते तो हम छाता लेके जाते और छाता ऐसा सीधा सीधा पकड़ के हम जाते, क्योंकि सीधी सीधी बारिश हो रही है। ओके लेकिन कई बार हम टेक्निक्स यूज करते हैं, कब, जब हम जा रहे हैं तो ऐसे फिर भी भीग जा रहे हैं। सपोज तुम ऐसे सीधा छाता पकड़ के जा रहे हो और सामने से ऐसे आ रहा है, ऐसे रेन ऐसे आ रहा है, तो तुम तो भीग गए क्योंकि रेन से तो ऊपर से बचे थे, ऐसे इंक्लाइंड आएगा रेन तो कैसे बचोगे। तो वही चीज यहां पर है, देखो इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो बस स्टॉप पे एक लड़का बस की राह देख रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। ओके मतलब के ऐसा समझो, अगर सीधा गिर रहा होता और ऐसे पकड़ के रखता, इक्वेशन समझ में आएंगे। ओके अब देखो, छाता अगर सीधे रेन गिर रहा है और सीधे ही ऐसे पकड़ के रखा है तो बच गया वो, ठीक है। अब ऐसा समझो ऐसे रेन आ रहा, मतलब विंड आ रही है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट टू वेस्ट ऐसे आ रही है, तो मतलब रेन कैसे हो जाएगा, थोड़ा ऐसे हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये विंड धक्का मार रही है ना, अंडरस्टूड। इतना तो इजी है, समझ में आ गया। ये हमारी क्या हो गई, अम्ब्रेला रेन की डायरेक्शन ये हो गई। अगर पहले का केस होता तो हम ऐसा अम्ब्रेला रख देते। तो ऐसा अम्ब्रेला सीधा सीधा रख देते हम, ओके। लेकिन ये टेढ़ा हो गया तो हमें टेढ़ा अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा, मतलब हम भी फिर ऐसे सीधा नहीं पकड़ेंगे, हम थोड़ा इंक्लाइन पकड़ लेंगे। मतलब बारिश अभी ऐसे गिर रही है, हमने सीधे ही पकड़ के रखा तो बारिश तो लगेगी हमें, तो हम थोड़ा ऐसे पकड़ेंगे, समझ में आ गया। तो वो डायरेक्टली हम गीले नहीं हो जाएंगे, भीग नहीं जाएंगे, डन, सिंपल है, बस समझ गए ना ये। तो अब न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें ऐसे करके अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा सो दैट हम बच जाए, डन। अब ये समझ गए, अब ये फिगर तो हमें ड्रॉ नहीं करनी है, तो समझने के लिए हमें तो ये जो बुक में या स्कीवन है वही फिगर ड्रॉ कर। ये समझ गए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि रेन गिर रही थी सीधे, उसकी स्पीड गिवन है, फिर विंड आ रही थी ईस्ट टू वेस्ट, देखो दोनों की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों गिवन है, विंड की भी स्पीड गिवन है, रेन की भी स्पीड गिवन है, रेन की भी डायरेक्शन गिवन है और विंड की भी डायरेक्शन गिवन है, मतलब वेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर गिवन। सो पहले ऐसे सीधा गिर रहा था रेन, ओके तब तो तुम सीधा छाता पकड़ते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विंड आ रही है तो हमारा रेन भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, रेन टेढ़ा हो गया तो हमें छाता भी टेढ़ा पकड़ना पड़ेगा, इंक्लाइन पकड़ना पड़ेगा, तब जाके हम भीगेंगे नहीं, वो बच्चा भीगेगा नहीं जो बस स्टॉप पे बस की राह देख रहा है, डन। ओके चलो, तो हम जैसे कि स्टार्ट करेंगे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, हमारी क्या है, विंड है, तो विंड की स्पीड भी है, सो वी, और विंड है तो डब्ल्यू, वी डब्ल्यू से हम डाल देते हैं ऐसा एक वेक्टर, ओके। और रेन जा रहा है नीचे, तो रेन नीचे जा रहा है तो इसको लिए हमने डाल दिया क्या, इसके लिए हमने डाल दिया रेन, रेन नीचे जा रहा है तो वी आर स्टैंड्स फॉर रेन, ये वेक्टर हमने शो कर दिया, एक सीधा और एक ऐसे, डायरेक्शन शो किया अभी तो ईस्ट टू वेस्ट और एक टॉप टू बॉटम नीचे जा रहा है, डन। अभी
हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है डायरेक्शन, हमें तो डायरेक्शन ढूंढनी है। तो बुक में, यस बुक में वेलोसिटी फाइंड करके दी है, वो एक्चुअली तुम ना करो तो चलेगा, लेकिन बुक में फाइंड की है तो हम भी करेंगे, नहीं तो स्कूल में तुम्हारे मार्क्स काट देंगे। तो अगर एक मार्क में पूछा है ये, तो तुम ये जो अभी हम करने वाले हैं वो नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन टू मार्क्स और थ्री मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल पूछा हुआ है तो हमें उस तरह से ही गिनना पड़ेगा, मतलब उतना ही करना पड़ेगा जितना बुक में है, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ और है और गिना वो एक्स्ट्रा गिना है, एक्स्ट्रा फाइंड किया है उन्होंने। उनका क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन फाइंड करो, इन विच डायरेक्शन, ओके इन विच डायरेक्शन। तो हमें रेन की स्पीड पता करनी नहीं है, रेन की स्पीड ये है, लेकिन रेन के साथ साथ अभी विंड की भी स्पीड ज्वाइन हो जाएगी ना, तो टोटल अब रेन की स्पीड चेंज हो जाएगी। नहीं बोल रहे कि अगर हवा नहीं चल रही और रेन गिर रहा है तो लगती नहीं है हमें, लेकिन कभी कभी रेन भी लगती है हमें, अगर तुम गए तो ओके बाहर निकले तो रेन में, तो वो क्यों लगेगी, क्योंकि ज्यादा स्पीड से गिर रही है, डन ओके। या तो वो बूंदे जो है वो बहुत बहुत बड़ी है, या तो हवा बहुत तेजी से चल रही है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है डायरेक्शन, लेकिन बुक में जो हिसाब से गए हैं हम वो ही हिसाब से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो दो वेक्टर है, ओके अभी हमारा छाता कैसा था, ऐसा हमारा छाता पकड़ना था हमें, तो ये हमारा रिजल्टेंट मिलेगा, और वो रिजल्टेंट तो मिलेगा ही, लेकिन वैसे भी हमें तो पता है कि दो वेक्टर है, अभी मुझे ऐसे दो में नहीं चाहिए, मुझे एक ही बनाना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो सपोज पैरेललोग्राम मेथड हम यूज करें, तो देखो दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर है, दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर है, तो जितना वी आर यहां पर से है उतना ही वी आर यहां पर से ड्रॉ कर दिया, और जितना वी डब्ल्यू यहां पर है उतना ही वी डब्ल्यू ऐसे ड्रॉ कर दिया, और ये मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, डन यही हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। एंड व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, भाई रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू प्लस वी आर, क्योंकि रेन की स्पीड हम विंड की स्पीड के साथ करने वाले हैं, ओके सिंपल है ये। चलो हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारा एंगल कितना है जो हमें ढूंढना है, कि कितनी डायरेक्शन, पहले तो सीधा था ये सीधा, तो नो एंगल, वर्टिकल के साथ कोई एंगल नहीं, सीधा पकड़ा तो, लेकिन अब हम थोड़ा ऐसा कर देंगे तो मतलब ये वर्टिकल के साथ कोई एंगल बन गया, ये वर्टिकल ऐसे था और अब हम ऐसे मुड़ गए तो ये एक एंगल बन गया, वही एंगल को हमने नाम क्या दे दिया, थीटा, सिंपल। अच्छा अब आर कैसे फाइंड करें, निर्भय आर कैसे फाइंड करें, तो आर का लिए जो भी हमारा, जैसे कि तुम ऐसे फाइंड कर सकते हो क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो तुम पाइथागोरस यूज कर सकते हो। तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखो ये वी आर है तो ये भी वी आर हो जाएगा, ये वी डब्ल्यू है तो ये भी वी डब्ल्यू हो जाएगा, वी डब्ल्यू बताया ऐसे है लेकिन डायरेक्शन ऐसी है, पता है ना, ईस्ट टू वेस्ट, ओके हाँ। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज करें तो आर का स्क्वायर, देखो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे पाइथागोरस लगाया तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, डन ऐसा कर सकते हैं। नाउ आर की वैल्यू ढूंढनी है, पहले तो वी डब्ल्यू गिवन तो लिखो भाई, कुछ भी नहीं लिखा, स्टार्ट कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया। अच्छा रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड, मतलब वी आर है वो कितना है 35 मीटर पर सेकेंड, और विंड वी डब्ल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर तुम करोगे 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये तो इजी है मैं कर दूंगा, लेकिन ये वाला मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं है, ओके। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, जितना हो उतना कर लो तुम्हें भी नहीं याद होगा सो 35 का स्क्वायर 1225, तो 1225 प्लस 1269 होगा, इतना मैच तो सही होगा ना यार, मतलब 1369, ओके तो ये 1369 क्या आया, आर का स्क्वायर, तो आर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा उसका, करेक्ट, सो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर दैट इज 37, क्या आया 37, और हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड,
मतलब जो रेन था वो 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रहा था, लेकिन विंड की वजह से वो और भी जोर से गिर रहा है। विंड की वजह से लगेगा, पहले नहीं लग रहा होगा तो अब लगेगा, उसकी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ गई। क्यों? विंड की वजह से। अगर विंड नहीं होती नॉर्मली एकदम, मतलब नहीं हवाएं नहीं चलती संक्रांति पे, ओके, तो वैसी कंडीशन पर अगर नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता, इस बार तो इवनिंग में हर बार होती है, ओके, 5-6 बजे के बाद तो वैसे हवा ही हवा है, ओके, चलो बात करते हैं यहाँ पर। तो स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन हमें तो ये बोला ही नहीं था, तो मैंने बोला ना कि अगर 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा है तो ये फाइंड करो, एक ही मार्क में पूछा है और ये क्वेश्चन है तो ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो पूछा है डायरेक्शन कितना है भाई, वो अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या होगा, तो यही डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना है ना मुझे, क्योंकि ये था और मैंने थोड़ा ऐसा कर दिया तो ये डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना है, तो ये थीटा कितना आया वही बोल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो अगेन वही ट्राइंगल में तुम टेन थीटा निकाल लो। क्यों टेन थीटा ही बोल रहा हूं? तुम कुछ भी निकालो ना भाई, साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, अब तो तीनों तीन वैल्यू तुम्हारे पास है, VR भी है, VW भी है और R भी है, तो कुछ भी निकाल, डन। जो निकालना है निकाल सकते हैं। हम tan थीटा निकाल रहे हैं ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है? VW दैट इज 12 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो एडजेसेंट क्या है? 35, डन। सो 35 है ना, हाँ, सो 12 डिवाइडेड बाय 35 इट्स कमिंग 0.10 थीटा इज इक्वल्स टू 0.3428। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करके मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आंसर क्या है 0.285, ऐसे चलता जा रहा है अभी भी, ओके, लेकिन मैं लिख रहा हूँ क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.34 और ये 8 हट गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.343। लेकिन तुम्हें तो थीटा ढूंढना है, ओके, और हमें पता है कि भाई हमें तो tan थीटा की दो वैल्यू पता है, √3 और 1/√3 और 1, ये तीन में से एक तो है नहीं है, ओके, तो अब इसके लिए हमें टेबल्स देखने पड़ेंगे, ओके, तो पर्टिकुलरली टेबल्स होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन और डेरिवेशन का एक एक लेक्चर लिया, एक दिन डिफरेंशिएशन, एक दिन डिफरेंशिएशन का और एक दिन इंटीग्रेशन का, तो वैसे ही मैंने तुम्हें बोला था कि एक लेक्चर में लूंगा किसका, लॉग टेबल का, कि कैसे लॉग टेबल्स देखते हैं, तो लॉग टेबल्स में ही, अदरवाइज इसमें तो हो जाएगा लेकिन ये तुम्हें अलाउ नहीं है, ओके, सो लॉग टेबल में से तुम्हें वैल्यू निकालनी है, ओके, सो लॉग टेबल में से वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आई है तुम्हारी 0.343, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.343, तो वो वैल्यू आएगी तुम्हारी 19, आंसर है ना, मुझे तो रट्टा मार गया है 19, हाँ, ओके, सो ये क्या है 19 डिग्री, ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 19 डिग्री, मतलब therefore the boy should hold his umbrella in the vertical plane के साथ 19 डिग्री, ओके, with the vertical towards the east, मतलब के ये मेरा है तो वर्टिकल के साथ जाना हो तो टॉवर्ड्स द ईस्ट जाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो, ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन, तो ये मेरा अम्ब्रेला है ऐसा समझो, तो ये टॉवर्ड्स द ईस्ट, समझे, अगर मुझे ये बोलना हो ये एंगल, तो ये एंगल मैं कैसे बोलूंगा कि सपोज ये अल्फा हो तो मैं अल्फा को कैसे डिफाइन करूंगा कि रिजल्टेंट का एंगल अल्फा विथ द हॉरिजॉन्टल टॉवर्ड्स द वेस्ट, समझे, फिर से बोल रहा हूं, रिजल्टेंट का एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे यहां वर्टिकल लाइन है, विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन टॉवर्ड्स द वेस्ट, यहां से मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा तभी तो ये आएगा, तो अल्फा को वैसे डिनोट करेंगे, वैसे ही थीटा को अभी हमने, ये कैस लैंग्वेज बता रहा हूं, ओके, वैसे हमें लिखना है, सो एंगल थीटा विथ द वर्टिकल टॉवर्ड्स द ईस्ट, ऐसे जाएंगे ना हम ईस्ट टॉवर्ड्स में जाएंगे तो टॉवर्ड्स द ईस्ट, डन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया, तो मैं लॉग टेबल तुम्हें एक लेक्चर लूंगा, एक लेक्चर के लेने की तो जरूरत नहीं है बट हाँ 30 मिनट्स जैसा तो लगेगा ही, ओके, सो इन दैट आई विल टीच यू हाउ टू सी द लॉग एंड हाउ टू सी द एंटी लॉग ऑल्सो, ओके, मे बी हमारे पास अभी है
तो मैं तुम्हें लॉग देखना तो नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो वो लेंथी प्रोसेस है। ओके, और अभी हमारा लॉग तो आया ही नहीं, हमारा तो टेन, हमें तो टेन ढूंढना है ना, हमें थोड़ी लॉग ढूंढने को बुलाया है। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये यही होगा। हाँ, तो ये तो मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ। देखो, नेचुरल साइंस तुम्हारी केमिस्ट्री की 1-2 और फिजिक्स की 1-2, ओके, वो दो जो चारों बुक में से कोई एक बुक के पीछे ये टेबल गिवन होंगे। ओके, तुम्हें अलग से बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अदरवाइज लॉग टेबल की बुक आती है छोटी सी, वो तुम्हें परचेज करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री की 2 बुक और फिजिक्स की 2 बुक, ये 4 में से कोई एक बुक के पीछे गिवन है। ओके, तो वो परचेज करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में जब एग्जाम में तुम दोगे 12th में या स्कूल में, तो स्कूल में तुम्हें पर्टिकुलरली यही बुक की जेरोक्स दे दी जाएगी, या फिर जो टेबल आता है वो टेबल दे दिया जाएगा। ओके, वैल्यू सेम ही होती है, बुक के पीछे हो या कहीं पर भी हो, वैल्यू सेम होगी। जैसे 1030 एनसीईआरटी में तुम देखो या कोई रेफरेंस बुक में देखो, 1031/√3 होगा तो वो वही होगा, चेंज नहीं होगा। सो ये वैल्यू है, ये नेचुरल साइन है, मैंने तो 10 निकाला था तो मैं यहाँ नहीं देखूंगा। फिर नेचुरल साइन नहीं चल रहा है, ठीक है, नेचुरल कोसाइन भी नहीं चाहिए, नेचुरल कोसाइन भी नहीं चाहिए, आ गया नेचुरल टेंजेंट। ओके, अब मुझे तो एंगल ढूंढना है, ये रहा एंगल, ये सारे क्या है, एंगल्स है। जैसे कि हमारा एंगल तुम्हें पता है 45 1 होता है। ओके, तो देखो 1045 कहाँ गया, ये 40 है और नए पेज पे आया है 45। तो देखो 1045 1 दिखाई दे रहा है, आंखें फाड़ के देखो, ये ओके 1045 आ गया 1। ओके, और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मिनट, ये क्या शो कर रहा है, मिनट, मैथ्स के स्टूडेंट को पता होगा। ओके, मिनट मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे थीटा इज इक्वल्स टू 1 घंटा समझो, तो फिर 1 घंटे में 60 मिनट भी होती है, वैसे ही एंगल में भी मिनट्स होती है, फिर मिनट में भी सेकंड होते हैं, वैसे एंगल में भी सेकंड होते हैं। लेकिन ये मिनट और सेकंड कौन सा है, सपोज हम एग्जैक्ट दिखाए, मतलब से रेडियन है और रेडियन में से तुम डिग्री में कन्वर्ट करो, तो एग्जैक्ट ये कन्वर्जन हमने तो देख लिया है मैथ्स के स्टूडेंट। ओके, कैसे करते हैं, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें टेबल डायरेक्टली गिवन है। ओके, तो हमारी जो वैल्यू पे आए वो हमारा एंगल, देखना कैसे है, दिखाता हूँ क्या है हमें देखना। देखो, जैसे मुझे 1 देखना था तो मैं, अरे ये रहा 1, तो क्या है एंगल, 45, तो मेरा एंगल आ गया 45, डन। ओके, जैसे कि हमारा आंसर है √3 कब आता है, 60 पर, 1060 कितना होता है, √3, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। ओके, तो वो वैल्यू देखो कहां पर है, 60 पे ही होगी ना, तो मैं डायरेक्टली वहीं जाता हूं, देखो 1.73। ओके, 59 के लिए देखो 1.73, अभी 59 वाला देखो ये, तो ये कहां तक गया, 1.7251 तक गया, मतलब ये 59 डिग्री और चला भाई 59 डिग्री मतलब 59.9 डिग्री, ये देखो 0.9, और मिनट्स में देखेंगे तो 54, डन। तो 59.9 की वैल्यू भी आ नहीं रही है, 1.73 क्या आ रहा है, 1.7251 आ रहा है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 1.73। तो देखो 1.7321 इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.73 आ गई वैल्यू 60, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आंसर पता है ना, वैल्यू जो पता है ऑलरेडी, तो आ गया 45 का दिखाया, ये दिखाया, वैसे 30 का भी दिखा सकते हैं। ओके, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाय 1.73, क्योंकि वो क्या है, 1/√3। ओके, अब हमारे न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल में हमें क्या देखना है, 0.343 देखना है। तो यहाँ पर देखो 0.343 जहां पर भी देखो, अब ये देखते समय ध्यान रखना, जैसे ये है 1544, तो भाई ये ही कंटिन्यू हो रहा है, 1.1544 है, आगे पॉइंट नहीं लिखा, मतलब यहां से ही ले लेना है, 1.1504, 1.1544, 1.1585, वैसे फिर तुम्हें ऐसा मत समझना कि 1550 ही आया, नहीं, वो 1 पॉइंट समथिंग है। जैसे नीचे देखे तो ये देखो 2.60, तो ये 2.61, तो ये वैल्यू क्या है, 2.6187, डन। यहां लिखा नहीं है, एज्यूम्ड कि तुम्हें पता ही है, डन, तो बता दिया मैंने, फिर गलत मत पढ़ना, डन। अब हमें क्या चाहिए, 0.343, तो ये रहा देखो 19 डिग्री पे, मैं इसलिए डायरेक्ट ले जा रहा हूं क्योंकि हमें पता है आंसर, तो मैं तुम्हें शो करने के लिए वहां ले जा रहा हूं, नहीं तो तुम्हें ऐसे स्टार्टिंग से देखना है। ओके, कि भाई 0
मुझे 0.343 चाहिए, 0.0 छोड़ो, 0.1 हाँ, फिर 0.2 हाँ, फिर 0.30 हाँ, लेकिन 30 नहीं चाहिए मुझे, तो चाहिए 0.343, 30 ही चल रहा है, 32 चल रहा है, 343 ये रहा 19, अच्छा 18.9 भी हो सकता है क्या, तो पीछे जाकर देखो ये 18 वाला चल रहा है, ये 18 वाला चल रहा है, तो 18.9 का आंसर क्या है, 0. कहाँ गया ये रहा, 0.3424, 18.9 डिग्री का आंसर क्या है, 0.3442 ऐसा है, लेकिन हमें तो 0.343 चाहिए, ओके ये आंसर कितना है देखो, 0.3424 क्या है, 0.3424, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 0.342 नहीं चाहिए, 343 चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट आंसर तो 2 ही आ रहा था, हमने राउंडिंग ऑफ किया, ओके तो और एग्जैक्ट लिखना हो ना, बुक से भी एग्जैक्ट आंसर लिखना हो ना, तो 18.9 डिग्री लिख सकते हैं हम, ये एग्जैक्ट है, क्यों, क्योंकि हमने भी तो अभी राउंड ऑफ किया, नहीं तो थीटा की वैल्यू 19 डिग्री, मतलब ये 0.343 एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, 0.3427 और उसके बाद 5, तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ लगा कर ये लाए हैं, तो एग्जैक्ट आंसर तो बुक से भी एग्जैक्ट लाना हो तो 18.9, लेकिन बहुत समझदार नहीं बनना है, जो बुक में लाए हो वही आंसर लाना है, ठीक है तो 0.243424, तो यहां पर देखो 19 के लिए 0.3443 आ गया, तो 19 डिग्री कैसे आएगा समझ में आया पक्का, ये आ गया तुम्हें, टेंट का टेबल देखना, वैसे ही साइन का देखना है और वैसे ही कॉस का देखना है, जैसे देखो साइन 1/2 मतलब 0.5, ओके तो कितना एंगल आना चाहिए 30, ओके साइन 1/2 0.5, तो देखो 30 के लिए देखो एग्जैक्ट है साइन 30 0.5, डन, ओके पक्का समझ में आ गया, तो ये तो इजी है, इसमें कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, साइन का टेबल देखना हो, कॉस का टेबल देखना हो या टेन का टेबल देखना हो, उसमें कोई ऐसा कुछ ऐसे कोई प्रॉपर मेथड एंड ऑल ऐसा कुछ नहीं है, जैसे लॉग में हमें करना पड़ेगा, लॉग टेबल हम देखेंगे तो हमें मेथड फॉलो करनी है, वो सब बताऊंगा ना उस टाइम पर, लेकिन अभी लॉग का नहीं आया है, अभी ये आया है तो ये समझ लो, डन, ओके तो कोई भी हो, अभी जैसे कि मैंने ट्राइंगल में टेन थीटा ढूंढा, मैं ट्राइंगल में टेन थीटा नहीं साइन थीटा लेता, तो फिर मुझे साइन में देखना पड़ता और तुम्हारी ये वैल्यू भी नहीं आती 0.343, लेकिन एंगल आ जाता 19 डिग्री, ये वैल्यू नहीं आती लेकिन एंगल आ जाता 90 डिग्री, डन समझ में आ गया, इजी है, टेबल कैसे देखना है, अगर डायरेक्ट वैल्यू देखनी हो देखो इससे तुम्हें कितना कुछ मिलता है, हमें तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ उतना ही पता है कि भाई 10/30 कितना होता है, तो भाई 1/√3, ओके लेकिन 10/31 डिग्री कितना होता है, यार ऐसे कैसे पूछ रहे हो, ऐसा तो आया नहीं, लेकिन टेबल से हम 10/31 भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास 10 30 साइन 30 डिग्री है, कितना है 0.5, तो देखो फिर हमारे पास साइन 37 डिग्री कितना होगा, वो भी है 0.6, साइन कितना 37 डिग्री, तो वो तो एक्चुअल में हमें नहीं पता ना, साइन 37 डिग्री कहां पता है हमें, लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, टेबल पे से हम देख सकते हैं कितनी होगी 0.6018, अंडरस्टूड, सिंपल है, समझ में आ गया, न्यूमेरिकल समझ में आ गया, ये बंद कर दूं अब, ओके हाँ चलो वेरी गुड, तरत ही खुल गया, हाँ तो क्या है देखो हमारा आंसर ये आया था 0.34285, तो 18.9 वाला एग्जिट है, लेकिन बुक में जैसे लाए हैं वैसे हम लेके आ गए 19 डिग्री, डन, तो एक मार्क में पूछे तो डायरेक्टली 10 थीटा ढूंढ के थीटा ढूंढ लो, बात खत्म, अगर 2 या 3 मार्क में पूछे तो रेन की वेलोसिटी भी निकालो, वैसे पूछा नहीं है लेकिन रेन की स्पीड भी निकाल लो, तो वो कैसे निकालेंगे, जो भी हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं वेक्टर एडिशन के वो करोगे तो आ जाएगा, डन सिंपल, कोई डाउट है